हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बीएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पांच लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई सिक्स लेक्चर वीडियो ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है राइट right. तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो जर्नल इंस्ट्रक्शन मैं हर बार कहती हूँ जर्नल इंस्ट्रक्शन एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा ठीक है चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सबसे पहले ये जर्नल इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अट्ठारह क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ आज हम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से स्टार्ट करेंगे ओके तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहा है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा लेवल मैनेजमेंट का लेवल अगर हम बात करें मिडिल uh, है सुपरवाइजरी लेवल है ठीक है टॉप लेवल है तो अलग अलग लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी ठीक है तो डिफरेंट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है इनकी जो भी एक्टिविटी है जैसे एचआर डिपार्टमेंट हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है इनकी जो एक्टिविटी है उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ठीक है कौन सा डिपार कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है ठीक है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसका काम होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्या करें कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके ठीक है तो ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसके लिए कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दिस इज द क्वेश्चन ठीक समझ में आ गया तो Uh, वैसे तो अगर इसका थ्योरी पार्ट आपको पढ़ना है क्योंकि ये सारे ही टॉपिक मैं डिटेल में अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ क्लास ट्वेल्व का पूरा बी का सिलेबस मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ तो आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो फिलहाल आपको मैं बता दूँ जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ठीक है जो लोअर लेवल होता है मैनेजमेंट का उसका काम होता है एग्जीक्यूशन पार्ट एग्जीक्यूट करना चीज़ है ये काम होता है लोअर लेवल का टॉप लेवल का काम काम क्या होता है टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है डिसीजन मेकिंग डिसीजन लेना ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करना ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टॉप लेवल को क्या करना पड़ेगा टॉप लेवल को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जैसे एच डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना ये काम है टॉप लेवल का ठीक है टॉप लेवल का मेन फंक्शन क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन इस्टैब्लिश करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके ठीक है क्योंकि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये अपने स्पेशलाइज जो भी इनके डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म कर रहे हैं ना तो टॉप लेवल ही है जो इनको कोऑर्डिनेट कर सकता है ठीक है तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो जिसका काम है कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी तो इट इज़ टॉप लेवल ये टॉप लेवल है मिडिल लेवल नहीं सुपरवाइजरी नहीं ठीक है लोअर लेवल नहीं लोअर लेवल का काम होता है काम को एग्जीक्यूट करना जो डिसीजन लेना कोऑर्डिनेशन करना ये सब जो है टॉप लेवल का काम होता है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ देखिए जनवरी का महीना चल रहा है ठीक है आज तारीख़ है बाईस जनवरी तो जनवरी का महीना चल रहा है फरवरी से आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं तो अब एक महीने से भी कम का समय है तो लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम कैसे पढ़ाई करें टिप्स दे दीजिए तो एक सजेशन दूंगी लास्ट टेन ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं ठीक है अगर अभी तक नहीं लगाए लगा रहे हैं इस दौरान तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगाया अभी तक तो स्टार्ट कर दीजिए लास्ट टेन ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो करना तो मस्ट है ठीक है वो करना ही करना है इससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है ठीक है किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं ठीक और एक बहुत अच्छी बात ये पता चल जाएगी कि हमारी तैयारी कितनी है हम अभी किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए लास्ट टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर तो लगाने ही चाहिए और इसके लिए मैं आपको एक बुक रेफ़र करना चाहूंगी ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई की लास्ट टेन ईयर की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है काफ़ी अच्छी बुक है काफ़ी अच्छी सिंपल लैंग्वेज में लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो छह सब्जेक्ट्स हैं उन सारे ही छह सब्जेक्ट्स के लास्ट टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर इस बुक में कवर किए गए हैं तो ये काफ़ी अच्छी बुक है ठीक है ये आपको ऑनलाइन अमेजॉन पे भी मिल जाएगी नहीं तो ओसवाल की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ठीक और इसके साथ ही इनका वेब पोर्टल भी है ओसवाल डॉट के नाम से तो वहाँ पर भी ज़रूर आप एक बार विजिट करिएगा इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं यू कैन अटेम्प्टैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म ओसवाल डॉट और टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा जो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं ना तो इसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको रिज़ल्ट भी दिया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस तो ये भी प्लेटफॉर्म आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा ओसवाल ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है द पर्पज़ ऑफ़ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन है कि जो पर्पज़ है डिपार्टमेंटलाइजेशन का इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज तो पूछा जा रहा है पर्पस क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है इसका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजिंग में जो डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं इसका पर्पस क्या है तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला है टू अडॉप्ट टू अडेप्ट चेंजेस इन द बिजनेस इन्वामेंट टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन टू हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजीरियल एफिशंसी ठीक है तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है इसका पर्पज क्या है ऑर्गेनाइजिंग में इसका पर्पज क्या है ठीक तो मैं आपको बता चुकी हूँ देयर आर फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के पांच फंक्शन है पता है ना प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ठीक है तो ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते थे याद है ना ऑर्गेनाइजिंग में व्हाट वी डू ऑर्गेनाइजिंग में वी आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं ये जो ऑर्गेनाइजिंग है इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एक्टिविटी है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्टिविटी है उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनको पहचानते हैं एंड उनको ग्रुपिंग की जाती है ठीक है ऑर्गेनाइजिंग में और उसी के तहत फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ठीक है उसी के तहत फॉर्म क्या होता है डिपार्टमेंट ठीक है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है ग्रुपिंग ग्रुपिंग सिमिलर डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या है ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब ठीक है एंड रिलेटेड जॉब यानी सिमिलर टाइप एंड रिलेटेड जॉब को ग्रुप किया जाता है इनटू लार्जर यूनिट ठीक है लार्जर यूनिट में ग्रुप किया जाता है जिसे क्या कहते हैं जिसे ही तो कहते हैं डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है डिपार्टमेंट में जो सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है इन अ लार्जर यूनिट दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंट चाहे डिपार्टमेंट कह लीजिए चाहे इसको डिवीज़न कह लीजिए ठीक है चाहे इसको सेक्शन कह लीजिए तो दिस इज डिपार्टमेंट ठीक है जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में एच आर डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है परचेज डिपार्टमेंट तो ये सब क्या हो गया डिपार्टमेंट हो गया ठीक है तो यहाँ पे क्या किया गया सिमिलर टाइप के जॉब को ग्रुप कर दिया गया है तो दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन ठीक है डिपार्टमेंट को क्रिएट करना दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का फायदा क्या होता है इसका फायदा होता है इट हेल्प इन स्पेशलाइजेशन ये स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि एच आर डिपार्टमेंट में किस टाइप के काम होंगे एच आर डिपार्टमेंट में एच आर एक्टिविटीज ही परफॉर्म होंगी एच आर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ठीक है बहुत सारी है ना ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ठीक है परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत सारी एक्टिविटी है वो यहाँ परफॉर्म होंगी फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म होंगी तो इट हेल्प इन स्पेशलाइजेशन ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है ये हेल्प करता है किस स्पेशलाइजेशन में तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन ये इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्लेन uh, कर रहा है इसमें से कौन सा ठीक है तो इसके लिए एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारे ही ऑप्शन पढ़ लीजिएगा <coughs> मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है क्योंकि अगर इसका मतलब पता है तो वही तो पूछ रहा है इसमें ठीक है तब इसका आंसर कर लेंगे तो मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ फिर आप खुद ही बता देंगे कि इसमें से कौन सा आंसर है देखिए ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये जो वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन ये किससे बनाए स्टैंडर्ड ठीक है एक यूनिफॉर्म पैटर्न स्टैंडर्ड से बना तो है तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ बेसिक मेजर या एक स्टैंडर्ड सेट करना ठीक है एक स्टैंडर्ड सेट करना सो दैट द प्रोडक्ट जो है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंफर्म करे ठीक है वो जो प्रोडक्ट है वो एडहेयर रहे उसी स्टैंडर्ड से ठीक है ताकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ठीक है वो एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन के तहत क्या होता है एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और जो प्रोडक्ट जो बनाया जाता है कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो उस एडहेयर करे उसी स्टैंडर्ड को यानी वो प्रोडक्ट का वही स्टैंडर्ड होना चाहिए वही वेट ठीक है वही वेट वही लेंथ वही हाइट वही कलर वही डिज़ाइन होनी चाहिए तो ये क्या है स्टैंडर्ड सेट कर दिया समझ में आ गया तो यही है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और हर प्रोडक्ट अब उसी स्टैंडर्ड का बनना चाहिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई एफएमसीजी कंपनी का एग्जांपल लेते, है, लेते हैं सोप है? का एग्जांपल लेते हैं ठीक है लक्स का सोप है ठीक तो कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये जो सोप होगा ये 100 ग्राम का सोप है पिंक कलर का सोप है इसकी लेंथ इतनी रहेगी वॉल्यूम इतना रहेगा वेट इतना रहेगा लेंथ ब्रेथ वगैरह इतनी रहेगी तो so, ये क्या है कंपनी ने स्टैंडर्ड इसमें स्मेल जो इसका फ्लेवर होगा वो ये होगा ठीक है तो क्या हुआ कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन तो इससे क्या होगा हर प्रोडक्ट सेम होगा हर प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होगा हर प्रोडक्ट क्या होगा यूनिफॉर्म होगा प्रोडक्ट में क्या रहेगी कंसिस्टेंसी एक जैसा प्रोडक्ट होगा लक्स के किसी लक्स के वैसे कई ब्रांड्स हैं ठीक है ठीके? कई सोप है मार्केट में अगर हम किसी पिंक वाले जो लक्स होता है तो अगर उस लक्स की बात करें तो सारे सोप एक जैसे होते हैं ना ग्रीन कलर का भी एक लक्स आता है तो उसके सारे सोप एक जैसे होते हैं ना तो ये क्या है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन ठीक है कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया और सारे प्रोडक्ट जो है एक जैसे यूनिफॉर्म ठीक है इससे क्या है प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी होगी अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ग्रेडिंग क्या होती है तो ग्रेडिंग क्या होता है ग्रेडिंग मतलब छाटना सॉर्ट करना ठीक है ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन टू वेल डिफाइंड क्लासेस देखो ग्रेडिंग ठीक है ग्रेडिंग किससे बनाए ग्रेड से अलग अलग ग्रेड होते हैं ग्रेड वन ग्रेड टू तो ग्रेडिंग के तहत क्या किया जाता है प्रोडक्ट को छाटा जाता है प्रोडक्ट को सॉर्ट किया जाता है अलग grade grade one, grade two, grade three, अलग ग्रेड में ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री यानी अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग क्लासेज में अलग अलग क्लासेज में अलग अलग ग्रेड में प्रोडक्ट को छाटा जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग ठीक जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे मोबाइल का ठीक है किसी पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल है बट अलग अलग क्लासेस का मोबाइल होता है ना क्लासेस अलग अलग क्लास का होता है अलग अलग ग्रेड का होता है ठीक है तो ये क्या होता है प्रोडक्ट को कह लो सिग्रीगेट करना क्लासीफाई करना एक प्रोडक्ट में भी कई कैटेगरी बना देना दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग अगर मैं कार की भी बात करूँ ठीक है किसी पर्टिकुलर कार की बात करूं तो उसमें भी तो अलग अलग लेवल होते हैं बेस मॉडल होता है फिर टॉप मॉडल बेस मॉडल होता है बीच के भी कुछ मॉडल होते हैं टॉप मॉडल भी होता है तो ये क्या है कैटेगरी क्रिएट कर दी क्लासीफाई कर दिया ठीक है एक सिंपल सी कार जैसे कोई भी कार लेते हैं जैसे सपोज सें, सेंट्रो तो मार्केट में आती नहीं है कोई भी ले लीजिए सिलेरियो सिलेरियो का एग्जांपल ले लेते हैं सिलेरियो में क्या होगा एक बेस मॉडल होगा एक उसके ऊपर कोई मॉडल होगा फिर उसके ऊपर कोई मॉडल होगा फिर एक टॉप मॉडल होगा ठीक है तो ये क्या है ग्रेडिंग कर दी यानी क्लासीफाई कर दिया प्रोडक्ट को इन डिफरेंट ग्रुप्स ठीक तो ये हो गई ग्रेडिंग तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के बारे में अब आप बता सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है एक बार पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन सी कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग जो होता है इट हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट एंड क्लासिफाई प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर साइज़ यानी साइज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है ठीक है तो वो क्या हो गया ग्रेडिंग हो गया और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे कौन सा सही है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर राइट तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं अगले लेक्चर में अब मैं आगे और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ठीक है तब तक जितना मैंने पढ़ा पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा ठीक है और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत बहुत एफर्ट लगता है तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू